आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। देखिए, अपने पास सबसे पहला है अनुकरण। अनुकरण द्वारा अधिगम किया जाता है। अनुकरण द्वारा अधिगम किया जाता है क्योंकि अधिगम से वो अनुकरण से ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में जो परिवर्तन है वह अधिगम से आता है, और अधिगम किस प्रकार होता है, अनुकरण से होता है। अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा का तो मुख्य मुख्य भूमिका होती है अभिप्रेरणा की अधिगम में। अगर अपने किसी बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं तो वह बहुत जल्दी उस चीज को ग्रहण करता है, सीखता है। तो अभिप्रेरणा तो बहुत आवश्यक है अधिगम के लिए। स्कूल का बस्ता, देखिए स्कूल का बस्ता अधिगम में सहायक नहीं है क्योंकि जो स्कूल का बस्ता है ये किस प्रकार है, यह तो एक सहायक सामग्री है। स्कूल का बस्ता बालक की एक सहायक सामग्री है जो उसकी पाठ्य पुस्तकों को रखने के काम आती है, या पाठ्य पुस्तक जो उसकी सामग्री होती है उसे रखने के काम आती है। तो स्कूल का जो बस्ता है यह अधिगम में सहायक नहीं है। इसके बाद आगे है पुरस्कार। देखिए जो पुरस्कार है यह भी अधिगम में सहायक होता है, अधिगम में सहायक है क्योंकि जो पुरस्कार है यह भी एक प्रकार का क्या है, अभिप्रेरणा ही है। जो पुरस्कार है वो भी एक प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि अधिगम में किससे सहायता नहीं मिलती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा स्कूल का बस्ता अधिगम में सहायता नहीं देता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।